मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार में सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डू वाल्मीकि ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर परिषद आलमपुर में सीएमओ की अनुपस्थिति में लेखापाल राहुल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। वहीं यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डू वाल्मीकि ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सफाई कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आदेश अनुसार माह के प्रथम सप्ताह में वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, लेकिन निकाय द्वारा शासन के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण सफाई कर्मचारी कर्ज लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के ईपीएफ की कटौती भी नहीं की जा रही है। इसके साथ ही स्थायी सफाई कर्मचारियों को ठंडी और गर्म वर्दी नहीं दी जाती है। इन सभी मांगों के संबंध में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों से शिकायत कर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। लाहौर से संवाददाता ज्ञान सिंह कुशवा की रिपोर्ट। आलमपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में समस्त सफाई कर्मचारी वर्ग ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ नगर परिषद आलमपुर में यहाँ के अधिकारियों द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का शोषण किया जा रहा है। 3 माह से हमारे सफाई कर्मचारियों भाइयों का वेतन नहीं मिला है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश की अवहेलना है। शासन के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारी वेतन का भुगतान माह की प्रथम तारीख को होना चाहिए, लेकिन यहाँ की अधिकारी लापरवाही के कारण हमारे सफाई कर्मचारी 3 माह से वेतन से वंचित है, जिसके कारण गरीब सफाई कर्मचारियों को भीख मांगने पर मजबूर है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं। मैं निकाय प्रशासन आलमपुर और जिला प्रशासन भिंड से मांग करता हूँ कि हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को जो रुका हुआ वेतन है वो पूर्ण वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए।